हेलो दोस्तों, तो बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको आज दिखाता हूँ जो एसएससी का जो सीजीएल का पेपर पिछली बार हुआ था जुलाई में, उसके मॉक टेस्ट मैं लगा रहा हूँ। सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ मैं। तो ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट है, ठीक है। अभी मैंने 4-5 मॉक टेस्ट दिए हैं, अभी ज़्यादा मॉक नहीं दिए हैं। तो अभी मैंने 24 तारीख में लगाया था एक मॉक, तो मेरे 26.5 नंबर आए थे इसमें, पहले मॉक में 14 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में। और दूसरी शिफ्ट जो है 14 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में मेरे 41 नंबर आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ दूसरा टेस्ट जो है। और जो तीसरा टेस्ट है यहाँ, इसमें आए हैं 30 नंबर 50 में से। और जो चौथा टेस्ट है इसमें 36.5 नंबर आए हैं, 36.5 नंबर आए हैं, ठीक है। ये टेस्ट 12 मिनट का होता है, 12 मिनट में 25 सवाल करने होते हैं। और ये 26 मई को मैंने मॉक दिया था, तो इसमें 32.5 नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये मैं मॉक अभी देने लग रहा हूँ, ठीक है, डेली मॉक दे रहा हूँ मैं। इसमें जो टेस्ट होता है वो 12 मिनट का होता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर 3 मिनट और मिल जाएँ, मतलब मिल जाएंगी, जैसे 15 मिनट में सॉल्व करेंगे अगर इंग्लिश को, जो कि करना ही चाहिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये स्कोर और भी बढ़ सकता है। क्योंकि जो पैरा जंबल होते हैं ना, पैरा जंबल, उसमें बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। उसमें 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड तक भी किसी किसी क्वेश्चन में चली जाती हैं, ठीक है। और मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं अपना क्लोज टेस्ट दिखाता हूँ आपको। मेरा क्लोज टेस्ट बिल्कुल राइट होता है, आप देखना। इसमें क्लोज टेस्ट के कुछ सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। ये लास्ट के 21 से लेके 25 तक क्लोज टेस्ट के सवाल हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मेरे राइट लगे हुए हैं, राइट बिल्कुल। क्लोज टेस्ट मेरा बहुत अच्छा है, क्लोज टेस्ट बहुत मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। और आप टाइम भी देख सकते हैं कितने टाइम में मैं सॉल्व करता हूँ, 54 सेकेंड, 25, 32, 12, 21, इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ आपको, क्लोज टेस्ट में देखिए। इसमें मेरा एक सवाल गलत हो गया था, ये क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट भी इजी मॉडरेट कई टाइप के होते हैं, अगर भारी भी आ जाए तो वो गलत भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और इसमें देखते हैं इसमें कितने मेरे मॉक में आए थे क्लोज टेस्ट में। ये देखिए, इसमें ही मेरे 5 के 5 सवाल सही हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बस यहीं मुझे आपको दिखाना था, ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और अपना टारगेट रखिए 50 में 50। मैं भी ये इंग्लिश के स्कोर को अपने 50 में 50 लेके जाऊंगा, ठीक है। और मेरे एसएससी के एग्ज़ाम में 40 नंबर आए हैं, 40 नंबर तक आए हैं मेरे इंग्लिश में, 50 में से 40 से ऊपर मेरे नंबर अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। तो ठीक है, दूसरी वीडियो में मिलते हैं फिर कभी।